फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी गुड़हल की कटिंग कैसे लगानी है। गुड़हल की कटिंग लगाने का बहुत अच्छा मौसम आ गया है। देखिए आपको कैसा क्लाउडी डे है, बारिश हो रही है, अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, घने बादल हैं और इसमें मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए पेडिलेंथस, ये सिंगोनियम लगा हुआ है। तो आज हम इसकी कटिंग की बात करते हैं किस तरह से लगानी है। तो देखिए शुरू करते हैं। कटिंग जब हम लेते हैं किसी भी प्लांट की तो हमें थोड़ी सी सेमी, किसी की भी नहीं, मतलब गुड़हल की बात अभी आज हम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी चाहिए। एक अपनी ये छोटी उंगली जितनी मोटी ले लें, वैसे पतली भी लग जाएगी लेकिन छोटी उंगली जितनी मोटी अगर हम कटिंग लेते हैं तो वो बेस्ट रहता है। और कटिंग की जो लेंथ है, लंबाई है, वो 5 इंच या मैक्सिमम 6 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए अब मैं ये यहाँ से ये कटिंग ले रही हूँ तो देखिए इसकी थोड़ी सी ब्राउन कटिंग लें आप, और जो इसकी मोटाई है आप ये भी ले सकते हैं। ये देखिए अभी मैं काट रही हूँ ये। अब अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपको कटिंग लेने का बेस्ट टाइम है कि आपको मॉर्निंग के टाइम पे कटिंग लेनी है। अगर बारिश नहीं हो रही है, देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए एक हम ये वाली ले लेते हैं, बस इतनी कटिंग भी ये बहुत है। इससे थोड़ी सी लंबी हो तो चलेगा, 4 इंच से लेकर 6 इंच तक की कटिंग होती है। जैसे मैंने कहा अगर बारिश नहीं हो रही है तो अर्ली मॉर्निंग आप लें कटिंग तो बेस्ट होती है। वो उसमें सब कुछ हार्मोनल लेवल, फूड भी उस टाइम उसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो वो कटिंग जो है वो अच्छी चलती है। या इवनिंग में ले लें, लेकिन जब बारिश है, जैसे देखिए ये मौसम देखिए आप कैसा है, ऐसे मौसम में आप किसी भी टाइम ले सकते हैं मानसून में। अब ये जैसे कटिंग है ये थोड़ी बड़ी मानी जाती है इस कटिंग को, ये देखिए। और कटिंग जितना ज़मीन के पास से लेंगे ना उतनी अच्छी है। देखिए एक ये कटिंग लगाएंगे हम, जितनी हम, जैसे ये पौधा है इसकी यहाँ से कटिंग्स हैं, जितना हम ऊपर से कटिंग लेंगे ना उतनी उसकी जो है चलने की रेशो कम होगा। जितना नीचे से लेंगे ना कटिंग उतनी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो सबसे नीचे का जो लेवल हो पौधे का वो लें तो ज़्यादा अच्छी रहती है। अब इसकी क्या है कि प्रूनिंग एक बार हम कर चुके हैं तो इसमें पतली कटिंग्स जो हैं वो कम है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी कटिंग्स ज़्यादा हैं। ले आप वो भी सकते हैं, देखिए ये वाली कटिंग मैंने ली है, ये देखिए। तो बस मेरे को ये बताना है कि आपको कटिंग 4 से मैक्सिमम 6 इंच तक की कटिंग लेनी है, उससे ज़्यादा आपको कटिंग नहीं लेनी है। और कटिंग को काटना हमें कहाँ से है, जैसे ये पत्ती के लिए ये नोड है, देखिए इसमें ये नोड है, यहाँ से पत्ती निकलती है, तो इस नोड से थोड़ा सा नीचे, बस इस जगह पे हार्मोन सबसे ज़्यादा निकलते हैं जो रूटिंग के लिए होते हैं, तो हमें ऐसे कटिंग काटनी है। और जो नीचे का हिस्सा रखना है ना उसको तिरछा रख लें ताकि आपको पहचान हो जाए कि ये नीचे का हिस्सा है ये ऊपर का हिस्सा है। तो ये हमारी कटिंग हो गई, सारी इसकी पत्तियां हटा दी। एक हमने ये मोटी भी ले ली है, ये भी ले ली है, एक इससे पतली भी ले सकते हैं हम आपको दिखाने के लिए। मैं तीनों तरह की कटिंग्स ले लूँगी, लेकिन जो मीडियम वाली कटिंग होती है ना वो सबसे ज़्यादा चलती है। देखिए एक ये कटिंग भी ले लेते हैं। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ना ये वाला, ये इतनी सी कटिंग से लगाया हुआ है मैंने, इतनी पतली कटिंग से लगा हुआ है। और अब आप देखिए कितना मैच्योर हो गया है ये प्लांट। तो इसकी जो है हमें सेमी हार्डवुड कटिंग लेनी है, हल्की सी ब्राउन कटिंग लेनी है। उसकी थिकनेस ये भी हो सकती है, अगर आपको इस थिकनेस की मिलती है तो ये भी ले सकते हैं, ये भी चलेगी। तो इन तीनों में से कोई थिकनेस ये दिखाने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है इस टाइम, मौसम नहीं है, मैं बारिश में ही खड़ी हूँ इसलिए इसको मैंने पानी में नहीं भिगोया है। और अगर बारिश नहीं हो रही हो और आपने मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम कटिंग ली है तो कटिंग को लेते ही पास में आप एक पानी रख लें किसी डब्बे में, कटिंग को काटते ही इमिजिएटली पानी में डाल दें ताकि उसमें सूखने का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो। तो अभी बारिश लिटरली हो रही है इसलिए मैंने इसको पानी में नहीं भिगोया, ऑलरेडी बूंदें इसको भिगो रही हैं। तो ये देखिए अब इसको लगाना कैसे है उस पर बात करते हैं। अब देखिए इन सारी कटिंग्स को मैंने इसमें डाल दिया, और कटिंग जब भी आप लगाएं हमेशा 5, 6, 10 ऐसे लगाएं। आपने एक सिंगल कटिंग लगाई और वो नहीं लगी तो आपको लगेगा कि कटिंग में हमेशा ये
जरूरी नहीं होता है कि हर कटिंग में रूटिंग हो जाए। तो इसमें क्या होता है कि आप जितनी अच्छी तरह से लगाएंगे, हो सकता है 100% भी चल जाएं, हो सकता है 10 में से 8 चलें, 9 चलें, 5 चलें, तो ये आपको उस हिसाब से ज़्यादा कटिंग लगानी होती है। अब देखिए ये है रूटिंग हार्मोन। रूटिंग हार्मोन बहुत ज़रूरी है लगाना। अब मैं डब्बी को बंद कर देती हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। आप कोई भी रूटिंग हार्मोन ले सकते हैं। बारिश आपको दिखाऊं, थोड़ी थोड़ी हो रही है। ये पानी पे देखिए, आप पानी की बूंदें गिर रही हैं। तो अब हमें क्या करना है इसमें, ये मैंने सिंपल मिट्टी ली है, इसमें खाद वगैरह नहीं है अभी कुछ भी। आधी मिट्टी ले लें, आधी बजरी ले लें। मेरी ये मिट्टी, हम राजस्थान में रहते हैं, हमारी सैंडी सॉइल है, तो ये मैंने सिर्फ सॉइल लिया है इस टाइम। आप आधी मिट्टी ले लें, आधी रिवर सैंड ले लें। लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो चिकनी मिट्टी में आप रिवर सैंड नहीं मिलाएंगे। फिर उसमें आप क्या है, थोड़ा सा या तो कोकोपीट मिला लें, है ना, या उसमें आप राइस हस्क मिला लें, तो इस तरह, या परलाइट मिला लें। परलाइट आता है बाजार से लेके, वो आधी मिट्टी आधा परलाइट मिला लें, उसमें कटिंग बहुत अच्छी चल जाएगी। और जमीन में लगानी है तो मेरे ख्याल चिकनी मिट्टी वाली जगहों पर भी जमीन में तो उसी मिट्टी में लग जाती है। तो देखिए अब मैंने ये एक एक कटिंग को यूं मैं निकालती हूँ, और कटिंग जो है अपने को वहीं से ही काटनी है जहाँ से, ये देखिए ये नोड है, देखिए ये पत्ती निकलने की जगह है, और इसके नीचे से हम थोड़ा सा नीचे से हमने काटी हुई तो सही है, पर उसको हम थोड़ा तिरछा कर लेते हैं। देखिए तिरछा कर लिया अब हमने इसको, और इसमें ऐसे ये रूटिंग हार्मोन लगाया और एक्स्ट्रा को ऐसे झाड़ लिया। इसमें हम इतनी कटिंग को प्रेस करेंगे, ये देखिए इतनी कटिंग अंदर लगाएंगे ऐसे, और इसको ऐसे अच्छे से दबा दिया ताकि कोई एयर स्पेस नहीं रह जाए ऐसे। अब ये दूसरी कटिंग ली हमने, ये देखिए इसको ऐसे लिया, इसमें गीली हो कटिंग तो रूटिंग हार्मोन अच्छा लगता है। अब इसको प्लेस कर दिया और इसको ऐसे दबा दिया। अब आपने, जैसे मैंने ये एक ही में खूब सारी कटिंग लगा रही हूँ, अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप छोटे वाले गमले आते हैं ना, 4 इंची वाले गमले आते हैं, वो ले आए और एक एक गमले में एक एक कटिंग लगा दें, वो भी अच्छा रहता है। ये देखिए इसको मैंने ऐसे लगा दिया। इसको कम से कम 1 से 1.5 इंच मिट्टी में डाल के हमें प्रेस करना है ऐसे, एयर स्पेस नहीं रहे। अब ये बारीक वाली है, इसको भी ले लिया ऐसे, और इसको हमने ऐसे प्लेस कर दिया। ये देखिए अगर तो फरवरी का महीना है या अगस्त सितंबर का महीना है तो हमें क्या करना है कि ये जो हमने कटिंग्स लगाई हैं इसको एक पॉलिथीन लेके ऊपर से ढक देना है, है ना, ताकि ग्रीन हाउस बन जाए, क्योंकि पौधे का मॉइस्चर लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम इसको ऐसे रख देंगे, और अगर जो है वो बारिश का मौसम है तो अब हमें इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। अगर बारिश नहीं हो तो इसको आप पॉलीथीन, एक वाइट पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से ऐसे करके इसको ढक देंगे। मैंने कई वीडियोज़ में बताया हुआ है, उसको उल्टा पॉलीथीन को इसके ऊपर ऐसे ढक देंगे, है ना, कि इसके अंदर का मॉइस्चर बाहर नहीं निकले। लेकिन बारिश का मौसम है ये, इसीलिए कटिंग्स के लिए बहुत अच्छा मौसम है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर लॉस तो होगा ही नहीं, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ही मॉइस्चर है अभी 1-1.5 महीने तक, तो उसमें आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं ढक रही हूँ। और ये जो खुला वाला एंड है ना, ये खुला वाला जो एंड है इसको मैं इससे सील कर रही हूँ। ये देखिए ये मैं रूटिंग हार्मोन ही लगा रही हूँ इसके ऊपर। रूटिंग हार्मोन एक्चुअली फंजीसाइड भी होता है ना, तो रूटिंग हार्मोन इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप यहाँ पे रूटिंग हार्मोन नहीं लगाना चाहते तो इससे अच्छी चीज़ जो होती है, रूटिंग हार्मोन से भी अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको या तो फेविकॉल से सील कर दें इस जगह को, वो और भी अच्छा है, रूटिंग हार्मोन से भी अच्छा है, या तो इसको नेल पॉलिश से सील कर दें, और या इसको आप जैसे मैंने कहा फेविकॉल से सील कर दें। इसको सील करने का मतलब यही है कि इस जगह से मॉइस्चर का लॉस नहीं हो। और देखिए इसके ऊपर मैंने पत्तियां नहीं रहने दी हैं, ये छोटी मोटी पत्तियां देखिए थोड़ी बहुत ये हैं, थोड़ी बहुत रहने दी हैं, क्योंकि पत्तियां क्या है उनको भी खाना चाहिए होता है, तो वो अपनी कटिंग को हमें को अभी उस पर हमने भार नहीं डालना है। और देखिए ये जो बचा हुआ रूटिंग हार्मोन था
वो मैंने इसमें पानी में घोल के डाल दिया। देखिए अब ये बाकी वाला दूसरी कटिंग्स में यूज़ कर लूँगी। तो ये जो है वो अब हमारा ये तैयार हो गया कटिंग्स को। इसको अब हम छाया में रखेंगे जहाँ पे इसको बारिश मिले, लेकिन बहुत तेज़ धूप नहीं मिले, इनडायरेक्ट अच्छे से ब्राइट लाइट मिले। और आपको ये 15-20 दिन में इसमें पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन पत्ते आने के बाद भी और उससे पहले भी एक बार जहाँ हमने इसको रख दिया उसको हम बार बार हिलाएंगे नहीं। हिलाने से कटिंग्स में रूटिंग का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, ना उसको ऐसे हिलाएंगे ना इस बर्तन को हिलाएंगे बार बार, तो उससे जो है वो प्रोसेस रूटिंग का जो है वो स्टॉप हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए इसको अब हम एक जगह रख देंगे और बस इसको देखेंगे धीरे धीरे, बस दूर से देखेंगे पत्तियाँ आएंगी पहले, फिर भी इसको नहीं हिलाना है हमें। इसको हम जाके सितंबर में हिलाएंगे, अक्टूबर में हिलाएंगे, अक्टूबर में फिर इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। तो अभी इसको इसमें पत्तियाँ आ जाएंगी, रूट्स को अच्छी तरह आने देंगे। पहले एक बार पत्तियाँ आ जाएंगी ना तो फिर हम इसमें थोड़ी सी खाद देंगे। वो कैसे देनी है वो मैं उस टाइम आपको और बताऊँगी। उसमें फिर आपको लिक्विड थोड़ी सी खाद देनी पड़ेगी 15-20 दिन में एक बार, तो उससे आपका पौधा जो है उसकी रूट्स और अच्छी डेवलप होंगी। तो इस तरह से हमें ये हमने कटिंग्स लगा दी हैं। एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कटिंग लगा दी है, अभी इसको लगाने के 6-7 दिन बाद इसमें थोड़े से, जैसे ये 4 कटिंग है, इतना बड़ा बर्तन है, तो इसमें हम थोड़े से 15-20 दाने आप समझ लो DAP के यहाँ इसके साथ साथ ऐसे करके, और थोड़े से बीच में, थोड़े से 2-4 दाने बीच में और 8-10 दाने चारों तरफ ऐसे DAP के डाल देंगे। इसमें मिट्टी में मिक्स कर देंगे, कटिंग्स को नहीं हिलाएंगे ना बर्तन को हिलाएंगे, बस दाने यूं ही डाल देंगे। नहीं भी मिट्टी में मिक्स करना कोई बात नहीं, लेकिन हिलाना नहीं है आपको। तो वो जो DAP हम इसमें डालेंगे वो इसकी रूटिंग को फास्ट करेगा, रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है फॉस्फोरस। तो बस इसको अब इसको हम एक जगह रख देंगे और धीरे धीरे इसमें रूटिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। देखिए मैंने इसको इसी गुड़हल के पेड़ के नीचे रख दिया है। यहाँ पे धूप नहीं आती है क्योंकि इस पेड़ की छाया रहती है और बारिश का मौसम है। पहले भी मैंने जो कटिंग लगाई थी पिछले साल भी, वो भी यहीं रखी थी और वो बहुत अच्छी तरह ग्रो करी थी, वो मैंने किसी वीडियो में दिखाई भी थी। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस टाइम गुड़हल की कटिंग लगानी है मॉनसून के मौसम में, ये फरवरी में भी लगती है मॉनसून में भी लगती है, और अभी आप अगस्त तक इसको लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट मौसम अभी है या फिर फरवरी है, तो इसको आप अभी लगा लें। और फरवरी में लगाएंगे तो ऊपर पॉलीथीन से ढकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।